इस तरह से फिना भाजी, चला सब सही हो जाएगा। अगर आप अपने आप को परेशान रखेंगे तो तबीयत खराब कर लेंगे अपनी। अरे भैया, तुम्हारी कोई जवान बेटी होती ना जिसकी शादी नहीं हुई होती तो तुम्हें पता चलता कि कैसी फिक्र खाई जाती है। रातों को नींद नहीं आती है, पहनने ओढ़ने खाने पीने का होश नहीं रहता है। इंसान हर वक्त बस यही सोचता रहता है कि किसी तरह मेरी बेटी का ब्याह हो जाए। हो जाएगा, जब वो भी वक्त आएगा तो देर थोड़ी लगेगी बाजी। लेकिन इस तरह इमोशनल होने से कुछ हासिल तो नहीं है। मैं देखूंगा निदा के लिए लड़का, और मैं अनवर भाई से भी कहूंगा वो भी देखे। भैया तुम तो रहने दो, तुम्हारे जानने वालों में कहां कोई पढ़े लिखे लड़के होंगे, वही वाजबी सी तालीम वाले मामूली कारोबारी लड़के होंगे। और वो अनवर, उस अनवर का तो नाम ना लो, मैं तो उसका साया ना पढ़ने दूं। एक उसने तुम्हारा बेड़ा गर्क किया, अब क्या यही काफी नहीं है मेरे लिए? मैं खुश हूं बाजी, और आप प्लीज अनवर भाई को इतना गलत मत समझे, मैं बहुत मुखलिस इंसान। तुम कितने खुश हो ना, ये मुझे नजर आता है। एक दिन भी तुम्हें उस मीना ने कोई सुख दिया? कभी नहीं। पता नहीं कौन सी दुश्मनी उस अनवर ने निकाली, तुम्हारा इस तरह लवारिसों की तरह ब्याह करा दिया उसने। रहने दे, प्लीज जाने दे। कि किसी बड़े घर की लड़की ब्याह कर ले आते ना तो निदा के लिए भी बड़े घर का रास्ता खुल जाता, ढंग का रिश्ता आ जाता वहां से। अरे बेड़ा गर्क उस अनवर का, सत्यानाश कर दिया उसने। इस कदर परेशान ले रही हैं आप? अच्छा सुने, ये प्लीज रख लें अभी थोड़े से पैसे। नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। रख लें बाजी, थोड़ी सी परेशानी कम हो जाएगी, आपके काम आ जाएंगे। और फिक्र ना करें, इंशाल्लाह निदा को मिल जाएगा कोई अच्छा रिश्ता।